ओके गाइस, सो नाउ दैट वी हैव इंस्टॉल्ड सबलाइम टेक्स्ट और हमने एक बेसिक कोड रन करके देख लिया, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग थोड़ा सा सिंटेक्स ट्राई करेंगे समझने का कि एचटीएमएल में सिंटेक्स कैसा होता है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू एवरीथिंग इन एचटीएमएल इज अबाउट टैग्स. टैग्स हर जगह होते हैं एचटीएमएल में, मतलब हर चीज़ के लिए एक टैग होता है. ठीक है, लेट मी फर्स्ट शो यू टैग, दिखाई कैसा देता है. इट्स नथिंग डिफिकल्ट. सो अपेरेंटली कभी भी अगर आपको एचटीएमएल के अंदर कुछ भी ऐसा दिखाई दे, दिस इज नोन एज अ टैग. ठीक है, नाउ द थिंग अबाउट टैग्स इज कि जनरली एचटीएमएल टैग्स ओपन होते हैं और फिर क्लोज होते हैं लाइक दिस. आई विल शो यू, सी. सो अपेरेंटली दिस इज द नेम ऑफ माई टैग. आगे आप नोटिस करोगे देर आर वेरियस टैग्स, H1 टैग, IMG टैग, P टैग, बहुत सारे टैग्स होते हैं और वो आप इस तरीके से इन ब्रैकेट्स के अंदर डालते हो. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली ओपनिंग ऑफ अ टैग. नेक्स्ट, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ अ टैग. सो एवरीथिंग यू राइट इट इन बिटवीन, एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इन साइड द टैग, यू विल राइट इट इन साइड दीज यू नो टैग्स. सो लाइक दिस इज अ टैग, दिस वुड बी द नॉर्मल सिंटेक्स. ओके, नाउ देर मे बी सर्टन टैग्स, फ्यूचर में आपको ऐसा टैग मिल सकता है जो सिर्फ ओपन होता हो, सिर्फ ओपन होता है, वो क्लोज नहीं होता. ऐसे भी कुछ टैग्स होते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. बट जनरली स्पीकिंग पूरा का पूरा एचटीएमएल जो डॉक्यूमेंट आप लेआउट करोगे वो पूरा का पूरा ऐसा ही होगा. देर विल बी टैग्स, कभी कभी टैग्स के अंदर और टैग्स, उनके अंदर और टैग्स, इस तरीके से. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू जस्ट टू सिंपल टैग्स जिससे आपका एचटीएमएल प्रिंट हो जाएगा और आपको दिखने लगेगा. जैसे देर इज अ टैग कॉल्ड H1 टैग. सी, देर इज दिस बेनिफिट ऑफ यूजिंग सबलाइम टेक्स्ट कि आपको ये सजेशन आता है. देखो वहाँ पे लिखा हुआ है H1 और उसके बगल में देखो लिखा हुआ है टैग. ओके, सो जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ, ये देखो ऑटोमेटिकली टैग ओपन हो गया और टैग क्लोज हो गया. ठीक है, नाउ इफ आई वॉन्ट टू राइट समथिंग इन बिटवीन दिस, आई विल गो हियर एंड आई विल टाइप दिस इज अ हेडिंग लाइक दिस. ओके, देर इज वन मोर टैग दैट आई वुड लाइक टू शो यू एंड इट्स P टैग, P फॉर पैराग्राफ. ओके, एंड इनसाइड द पैराग्राफ टैग यू कैन राइट दिस, आई एम सॉरी, दिस इज अ पैराग्राफ लाइक दिस. दैट्स इट गाइस. अगर आप इसको सेव कर लेते हो और अगर आप वापस अपने ब्राउजर में जाते हो, जस्ट वन सेकेंड, या और अगर आप इस पेज को रीलोड करते हो, यू कैन सी, ये देखो ये रहा वो जो हमने बनाया. ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू राइट HTML, लाइक इट्स वेरी सिंपल. ओके, सो आई होप आपको बेसिक सिंटेक्स समझ में आ गया. इन द नेक्स्ट वीडियो विल एक्चुअली स्टार्ट कोडिंग. लाइक ये एकदम सही तरीका नहीं है, हम लोग सही तरीके से HTML में कोड करना सीखेंगे. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.